भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बैंक रोड स्थित मीडिया सेंटर पहुंचकर सदर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके संबंध में सदर विधानसभा के प्रभारी विवेकानंद वर्मा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल के प्रवास पर है तथा मीडिया सेंटर में पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक की है, क्योंकि जनपद में 3 मार्च को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, जिससे कि सदर विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतकर विधानसभा जाएं और दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि 3 मार्च को सदर विधानसभा के हर एक नागरिक घर से निकलकर मतदान करें। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के प्रचार के लिए अन्य जनपदों से भी लोग आ रहे हैं और उनका सदर विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के सदर विधानसभा के प्रभारी विवेकानंद वर्मा ने कहा, विवेकानंद वर्मा, प्रभारी सदर विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी आज जो पूर्वांचल के प्रवास पे भी हैं, तो आज ये बैठक ले रहे हैं कार्यकर्ताओं फीडबैक, और चूँकि चुनाव के एक सप्ताह और रह गए हैं प्रचार प्रसार के, उसी के संदर्भ में उनका दिशा निर्देशन होना है। चूँकि हम गोरखपुर शहर विधानसभा को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को अधिक से अधिक मतों से वो जीत करके जाएँ और अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसीलिए हम लोग बूथों तक कार्यकर्ता जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और योगी जी ने जो विकास कार्य किए हैं गोरखपुर के लिए, पूर्वांचल के लिए, पूर्व प्रदेश के लिए, उसको लेकर के यहाँ की जनता में, गोरखपुर की जनता में अधिक उत्साह है और सभी लोग चाहते हैं कि ऐतिहासिक मतों से हम योगी जी को चुनाव जिता करके उन्हें उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर की सीट जिताएँ, इसी संकल्प को लेकर के यहाँ लोग हैं। इसमें गोरखपुर के अंदर में बाहर से भी लोग योगी जी को इसलिए आ रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ वो करें, इसीलिए वो लोग भी प्रचार में और घर घर संपर्क में भी जा रहे हैं।